खिड़की के बाहर रह रह कर बिजली चमक रही है और बादलों की गड़गड़ाहट एक साथ बजते कई नगाड़ों से शोर पैदा कर रही है। आसमान से बारिश की बूंदों के गिरने की आहट हवा के साथ मिलकर बहुत ही मीठा सा संगीत पैदा कर रही है। रुक रुक कर चलती वो सर्द हवाएं मौसम को बहुत ही ज्यादा रोमानी बना रही है। एक अंधेरे कमरे में एक जोड़ा आपस में लिपटा हुआ है जो पहली नजर में बहुत धुंधला सा नजर आ रहा है। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के इतने करीब हैं कि उनके बीच कपड़ों की दरार भी नहीं है। कमरे के अंदर एक हल्की सी रोशनी बिखरती सी महसूस हो रही है जिसकी वजह से वहाँ एक लड़की को अपनी बाहों में लपेट कर उसके मखमली बदन को सहलाता हुआ एक लड़का नजर आ रहा है। उस लड़के की बाहों में मौजूद लड़की को अपना दिमाग घूमता हुआ सा महसूस हो रहा है। शायद उसकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और आखिर क्यों हो रहा है। लड़की की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो लड़के का विरोध करना चाहती है पर उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। इस वक्त वो एक अनकहे एहसास को महसूस कर रही है जो आज से पहले कभी नहीं किया है। उसको अपने शरीर के निचले हिस्से में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ, ऐसा दर्द जो एक मीठी से चुभन के साथ उसकी नसों में दौड़ रहा है। उस चुभन का एहसास उसके शरीर में हल्की सी कंपकंपी पैदा कर रहा है। वो लड़की शिकारी के जबड़े में फंसी एक छोटी सी हिरनी की तरह बेचैन और छूटने को बेकरार है। इस समय उस लड़की के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि वो इस आदमी की बाहों से कैसे निकले, वो कुछ भी करके इस आदमी की बाहों से निकलकर दूर कैसे जाए, बस यही सोच रही है। पर विरोध करने के लिए उसका शरीर उसका साथ ही नहीं दे रहा है, बल्कि उस मदहोशी और दर्द से भरी नसों से निकला वो विरोध ऐसा लग रहा है जैसे लड़की खुद से चाहती है कि लड़का उसके करीब और करीब आए। वो लड़का उस लड़की के इस बर्ताव से उसके और करीब बढ़ता ही जा रहा है। उस लड़की ने आज तक अपने आप को इतना लाचार कभी महसूस नहीं किया था जितना वो अब कर रही है। दर्द की लकीरें उसके चेहरे पे रह रह के नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से उस लड़की के मुंह से बहुत ही नर्म और हल्की कराहें सुनाई दे रही हैं। क्या ये तुम्हारा पहली बार है? अब की बार उस लड़के की हल्की सी फुसफुसाहट भरी आवाज लड़की के कान में गूंजी। लड़की का दिमाग उसके बस में नहीं है, लेकिन उसे ये समझ में आ रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। लड़की के दिमाग ने तुरंत ही रिएक्ट किया और उसका सर अपने आप ही हाँ में हिल गया। लड़के ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, बस ये थोड़ी देर का दर्द है, उसके बाद तुम सुख को महसूस करोगी जो तुम्हें हर रात मेरी याद दिलाएगा, बस अभी मेरा साथ दो। ये सुनते ही उस लड़की का कलेजा धक से रह गया। उसकी दर्द भरी संस्कारियां जल्द ही सुख भरी संस्कारियों में बदल गईं। लड़की को अच्छे से समझ में आ गया कि वो लड़का उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे लड़के के हाथ उस लड़की के शरीर पर ऐसे फिसलने लगे जैसे मक्खन की टिकिया गरम तवे पर फिसलती है। उस लड़की की मदहोशी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन शायद ये एक अलग ही तरह का सुरूर है जो उसपे चढ़ रहा है। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों दो जिस्म और एक जान हो चुके हैं। दोनों अपनी सारी हदें पार कर चुके हैं। अंधेरे की वजह से वहां कुछ नजर नहीं आ रहा है। लड़की ने अपनी उनींदी आंखों को हल्का सा खोला, उसे कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दिया। अगले ही पल लड़की ने हैरानी और घबराहट से अपनी आंखें मसली और दोबारा से देखने की कोशिश की। अभी भी कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। लड़की ने उठने की कोशिश की तो उसे अपनी कमर पर कुछ भारीपन सा महसूस हुआ। अपने हाथों को टटोलते हुए वो कमर तक पहुंची तो उसे एक हाथ अपनी कमर पर लिपटा हुआ महसूस हुआ। पलक झपकते ही रात का सारा वाकया उसकी आंखों के सामने से रील की तरह गुजर गया। ये क्या हो गया? अचानक लड़की के दिमाग से एक भयानक आवाज आई। घबराहट की वजह से उसका चेहरा सफेद पड़ गया और दिल ने एक पल के लिए धड़कने से इनकार कर दिया। इस वक्त उसे बस इतना याद आ रहा है कि पिछली रात वो अपनी बहन नेहा को लेने के लिए क्लब आई थी। वहीं पर उसे किसी ने एक ड्रिंक ऑफर किया था जो नेहा के कारण वो ठुकरा नहीं पाई। किसने ऑफर किया था वो ड्रिंक? उस बात पर तो उसका ध्यान ही नहीं गया था। ड्रिंक को पीते ही अगले ही मिनट में उसका दिमाग घूमता हुआ लगा।
उसे एहसास हो गया कि उसे जानबूझकर कोई नशीली चीज पिला दी गई थी, पर अब कुछ भी करने या समझने के लिए देर हो चुकी थी। नेहा के अचानक बुलाने की वजह से वो ऐसी ही दौड़ती हुई क्लब आ गई थी। आखिर नेहा उसकी यानी कियारा गौतम की जान थी। ऐसे में घबराहट, चिंता और बेचैनी की वजह से उसका गला सूख रहा था। जब कियारा ने नेहा को सही सलामत पार्टी एंजॉय करते देखा तो उसकी अटकी सांसें सुधरनी शुरू हुई। तो किसी ने एक ग्लास उसके आगे बढ़ाया और उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे पी लिया। एक छोटी सी गलती का नतीजा अब उसके सामने है। उसने इतने समय तक अपने आप को बाहर की दुनिया और लोगों से अपने जिस्म को अपने ड्रीम मैन के लिए बचाया हुआ था, वो सारी मेहनत उसकी एक लापरवाही की वजह से मिट्टी में मिल गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने जिसके हाथों से अपनी वर्जिनिटी यानी कि उसका कुमारापन खोया, वो तो उसे जानती तक नहीं, ना ही कभी उसे देखा है और ना ही कभी उससे मिली थी। उस आदमी की मौजूदगी को अपने बगल में महसूस करते ही कियारा ने उसकी तरफ देखने के लिए अपना सर घुमाया, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाई। एक तो अंधेरा, दूसरा उसकी पीठ कियारा की तरफ है। उस लड़के ने अपनी अपर बॉडी पे कुछ भी नहीं पहना हुआ है, बस उसकी पीठ पर एक हल्का सा टैटू बना हुआ नजर आ रहा है। कियारा का मन जोर जोर से रोने का करने लगा, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो खुलकर रो भी सके। उसके साथ जो हुआ था उसके कारण कियारा चीख चीख कर रोना चाहती है, चिल्लाना चाहती है ताकि अपने दर्द को बाहर निकाल सके। वो कुछ भी करके उसी वक्त में वापस जाना चाहती है जब उसने क्लब में पैर रखा था, पर इस सब के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसे अब कुछ भी करके बदला नहीं जा सकता है। तभी उस लड़के के शरीर में थोड़ी सी हलचल महसूस हुई, जिसकी वजह से कियारा बहुत डर गई और झट से बिस्तर से उठकर जमीन पर पड़े अपने कपड़े उठाए और जल्दी जल्दी उन्हें पहनने लगी। कपड़े पहनते ही कियारा ने बाहर जाने के लिए दरवाजा ढूंढा। कमरे का दरवाजा बेड के ऑपोजिट साइड एक कॉर्नर में है, जिसे एक बड़ी सी ड्रेसिंग टेबल ने ऑलमोस्ट छुपाया हुआ है। कियारा जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। कियारा में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश भी करे। कियारा इस वक्त बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बाहर निकलने से पहले वो आदमी जाग जाए या उसकी नजर कियारा पे पड़े। बाहर भागती चली जा रही कियारा के शरीर पर बारिश की ठंडी बूंदें गिर रही हैं, लेकिन वो बारिश की बूंदों को भी महसूस नहीं कर पा रही है और तेजी से आगे बढ़ते जा रही है। वो रोते रोते दौड़ रही है और उसकी आंखों से बहते आंसुओं को बारिश की बूंदें खूब छुपा रही हैं। जब तक वो अपने विला के अंदर गई तब तक सुबह हो चुकी है और आकाश भी पूरी तरह से चमक उठा है। हालांकि कियारा के परिवार की हवेली बहुत चमकीली है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कियारा को एक अजीब सी बेचैनी हो रही है और वो ये सोच रही है कि ये क्या हो गया उसके साथ कल रात। वो दरवाजे पे खड़ी है और उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो अंदर की ओर अपने कदम भी बढ़ा सके। कियारा के कपड़े पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और वो अपना आंसुओं से सना चेहरा उसे बेहद भयानक लग रहा है। अगर ऐसे हाल में उसके दादाजी उसे देख लेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। और अचानक से उसके मन में ख्याल आ रहा है कि क्या ये सब उसके दादाजी को बताना चाहिए। वो डर रही है, लेकिन उसने आखिरकार बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई और मेन दरवाजे से अंदर की ओर चल पड़ी। वो अभी अपने मन में चल रही उथल पुथल के बारे में सोच ही रही थी कि दीनदयाल काका ने दरवाजा खोला और सामने के दृश्य को देखकर वो चौंक गए। कियारा, ये तुम्हें क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? कियारा ने बड़ी मुश्किल से अपना सर हिलाया और धीमे से कहा, हाँ। उसने अपने चेहरे को गौर से देखते हुए फिर उनकी ओर देखा। जब दीनदयाल उसकी ओर बढ़ा तो वो उन्हें चकमा देके निकल जाना चाहती है, लेकिन तभी अचानक कियारा को ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो और पीछे ही खींच रहा हो। इससे पहले कि कियारा अपनी बात बयां कर पाती उसके आंसू बहने लगे और आवाज कांपने लगी। दीनदयाल कियारा को ऐसे देखकर बहुत परेशान हो गए। उसे कियारा को ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए बहुत ही शांत और धीमी आवाज में पूछा, कियारा क्या बात है, बताओगी? दीनदयाल ने बहुत ही सीधे और नरम लहजे में कहा, जिससे कियारा के आंसू और तेज हो गए। वो खामोशी दीनदयाल की आवाज से ही टूटी, श्री अजीत कुमार जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतना कहते ही मानो दीनदयाल की आवाज भी टूट गई। ये सुनते ही कियारा पूरी तरह से सदमे में आ गई है।
दीनदयाल की बात सुनते ही कियारा ने अपने पैरों को इतना कमजोर महसूस किया कि वो अगले ही पल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। कियारा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन वो अपने आप को सहेजते हुए बड़े अविश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? दादाजी मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अजीत कुमार जी यानी कियारा के दादाजी की तबीयत पिछले 6 महीने से ठीक नहीं चल रही थी। कुछ दिन पहले ही उनके हार्ट की सर्जरी हुई थी और डॉक्टर ने कहा था कि कुछ समय बीतने के बाद वो ठीक हो जाएंगे, पर वो उस अवस्था को पहले ही पार कर चुके थे और पिछले कुछ दिनों से उनकी हालत में भी सुधार आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो अगले 8 से 10 साल आसानी से जीवित रह सकेंगे। फिर अचानक से उनकी मौत कैसे हो गई? अचानक ऐसा क्या हुआ? दीनदयाल ने कियारा को ऐसे ढहते देखा और वो उसे ऐसे हाल में नहीं देख पाया और धीमे से उसकी पीठ थपथपाई और उदासी भरे शब्दों में कहा, कियारा, लोग मरने के बाद जीवन में वापस नहीं आते, थोड़ी हिम्मत रखो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दादाजी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, कहते हुए कियारा जोर से रोने लगी और उसने दीनदयाल का हाथ दूर ढकेल दिया और पूरी ताकत के साथ वो ऊपर की ओर भागी। जब वो ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि तीसरी मंजिल पर बने गलियारे में लोगों की भीड़ लगी हुई है। भीड़ में लड़कियों ने उसे सबसे पहले देखा। अपने दादा की लाडली पोती को आता देख उन्होंने अपने सामने से उसे रास्ता दिया और सहानुभूति से उनकी आंखें भर गईं। कियारा लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ दादाजी के कमरे की ओर बढ़ी। उसके नाजुक कदम पहले ही चोटिल अवस्था में है और उनसे खून भी बह रहा है, फिर भी उसे इस दर्द का कोई एहसास नहीं है। उसकी आत्मा, उसकी चेतना ने उसके शरीर का साथ छोड़ दिया है। हर एक कदम के साथ वो अपने आप को बेजान महसूस कर रही है और उसका पूरा शरीर उसे महसूस ही नहीं हो रहा है। आगे क्या होने वाला है कियारा के साथ? कियारा जल्दी से रोते बिलखते अपने दादाजी के कमरे में पहुंची। नेहा ने सबसे पहले कियारा को देखा और उसे देखकर थोड़ी हैरान हुई। नेहा आगे बढ़ती हुई कियारा के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, कियारा, तो तुम्हारे पास अभी भी घर वापस आने की हिम्मत है? क्या तुम जानती हो कि दादाजी के आखिरी शब्द क्या थे? बार बार तुम्हें पूछ रहे थे कि तुम कहाँ हो, आखिरकार कल रात तुम कहाँ थी? नेहा ने काफी ऊंची आवाज में पूछा। कियारा का दिल ये सुनकर दर्द से कराह उठा। उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे उसके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया है। जाने ऐसे क्यों लग रहा था उसे कि वो किसी साजिश का शिकार हो गई है। कियारा ने अपनी खाली आंखों से नेहा को देखा और बहुत ही कमजोर आवाज में कहा, तुमने ही तो तुम्हें लेने के लिए मुझे क्लब हाउस बुलाया था। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने कब बुलाया था तुम्हें? तुम मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैं कल से 1 सेकंड के लिए भी बाहर नहीं गई हूँ। दादाजी की हालत इतनी खराब थी और मैं यहाँ रहकर उनका ध्यान रख रही थी। कियारा जानती है कि नेहा झूठ बोल रही है, लेकिन ऐसे समय पर कियारा नेहा से बहस करने के मूड में नहीं है और ना ही इस वक्त बहस करने के लिए उसकी मानसिक हालत ठीक है। इस समय बस वो अपने दादाजी को अच्छी तरह से देखना चाहती है। कियारा ने नेहा का हाथ अपने सामने से हटा दिया जो उसके चेहरे की ओर इशारा कर रहा था और वो दादाजी के सरहाने के पास खड़ी होने के लिए उनके नजदीक चली गई। दादाजी को सफेद कपड़े से ढका हुआ है, लेकिन उनका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ नहीं है। वे जमीन पर ऐसे लेटे हुए दिख रहे हैं जैसे हर रात की तरह आज भी आराम से सो रहे हों। हालांकि कियारा ने महसूस किया कि इस बार वो हमेशा के लिए सो गए हैं। दादाजी अब कियारा से और लाड़ प्यार नहीं जता सकते और न हमेशा की तरह उसे लाड़ो कहकर बुला सकते हैं। अब तो वो कियारा की रक्षा भी नहीं कर सकते हैं। अब तो उनकी प्यार भरी डांट भी कियारा को नहीं पड़ सकती है। दादाजी, मैं वापस आ गई हूँ, इतना कहते हुए कियारा की आंखें आंसुओं से भर गई। वो दादाजी के बिस्तर के पास घुटने के बल बैठ गई। उसके हड्डियों के जमीन से टकराने की तेज आवाज बहुत धीमे से सबको सुनाई दी। अरविंद और सारिका बिस्तर के सिरहाने पर एक दूसरे को सहारा देते हुए बैठे हैं। उन दोनों के चेहरे पर उदासी छाई है। जब उन्होंने देखा कि कियारा सही सलामत वापस लौट आई है तो उन दोनों ने तुरंत चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा
उनकी आंखों में एक अलग ही तरह का सदमा और दहशत नजर आ रही है। आज की रात के लिए उन्होंने कुछ सोचा हुआ था और इस बात की पूरी तैयारी भी की थी कि आज की रात कियारा किसी भी तरह से घर ना पहुंच पाए और कियारा कैसे वापस लौटने ने उन दोनों को झकझोर दिया है। कुछ देर बाद जब अरविंद अपने होश में आया तो वो बिस्तर से उठा और अरविंद ने अपनी चलने वाली छड़ी को कियारा की तरफ लहराते हुए बहुत जोर से चिल्लाकर कहा, लानत है तुम पर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर वापस आने की? चाचा जी वो कियारा के पास उस वक्त उस छड़ी को चकमा देने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। उस मजबूत छड़ी के कियारा से टकराने और उससे लगी चोट की वजह से उठे तेज दर्द को कियारा ने अपने दांत को पीस कर सहन कर लिया। एक पल के लिए उसे ऐसे लगा कि जैसे सारी पसलियां टूट गई हों। कियारा के चाचा अरविंद सच में बहुत ही ज्यादा सख्त और कठोर इंसान है। कियारा अपनी दर्द भरी पसलियों को अपने हाथों में छुपाकर सहलाकर दर्द कम करने की कोशिश करती रही। इस बीच नेहा ने नफरत से कियारा की ओर देखा। नेहा का ध्यान कियारा की शर्ट पर गया जिसके दो बटन गायब हैं, जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं। गौर से देखने पर नेहा को कियारा की गर्दन पे खरोंचों के निशान भी दिखाई पड़े जिन्हें नेहा टूटे हुए बटनों की वजह से साफ देख पा रही है। उसे देखते ही नेहा की आंखें आश्चर्य से फैल गई और उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। जिस आदमी को उन्होंने इस काम के लिए फाइनल किया था उसने साफ साफ कहा था कि उन लोगों का प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ और कियारा वहां से भाग गई है। हालांकि अभी की हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि कियारा किसी के साथ हम बिस्तर होने के बाद जल्दी से घर भाग कर आ गई है। जैसे ही नेहा आगे बढ़ी उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। नेहा ने अचानक कियारा के शर्ट को जोर से खींच दिया और खोल दिया। घर की इस हालत के बीच यही एक आखिरी चीज है जिसे कियारा ने नेहा से उम्मीद नहीं की थी। कियारा ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शर्ट ऐसे अचानक खुल जाएगी और उसकी गर्दन पे पड़े खरोंचों के निशान साफ साफ सबको दिखाई देने लगेंगे। वो निशान गहरे लाल और बैंगनी कलर के हैं और ये बात भी साफ है कि वो बदन पर दांतों के काटने के निशान हैं। गौतम परिवार बहुत रूढ़िवादी है और शादी से पहले एक लड़के और लड़की का आपस में मिलना और उन दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई भी संबंध उन लोगों को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था। कियारा को उस हालत में देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए लेकिन वहाँ की स्थिति को देखते हुए सभी चुपचाप खड़े रहे। कियारा, ये तुम्हारी गर्दन को क्या हुआ? नेहा ने डर से चीखने का नाटक किया और तुरंत ही अपने मुंह को ऐसे ढक लिया जिसे इस बात को जानकर नेहा को बहुत सदमा लगा है। नेहा अच्छी तरह से जानती है निशानों का क्या मतलब है पर वो चाहती है कि हर कोई उन निशानों को देखे और सोचे कि कियारा एक चरित्रहीन लड़की है जिसे कपड़ों की तरह लड़के बदलने का शौक है। तुरंत ही जैसे उसने उम्मीद की थी वैसा ही हुआ। उस कमरे में सब लोग ये देख के हैरान रह गए। उन्हें कियारा से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। सभी हैरानी से इधर उधर मौजूद लोगों को देखने लगे और आपस में फुसफुसाकर बातें करने लगे। सब कियारा की ओर नफरत से देख रहे थे। एकाएक वहां मौजूद सभी का बर्ताव कियारा के प्रति बहुत ही सख्त और गुस्से वाला हो गया। साफ शब्दों में कहा जाए तो सभी लोग जो उस समय वहां थे उनकी नजरों में अब कियारा की कोई इज्जत नहीं थी। अजीत कुमार जी मरणासन्न पड़े थे और अपनी बीमारी की वजह से पल पल मौत के करीब जा रहे थे जबकि उनकी लाडली पोती बाहर लड़कों के साथ गुल छर्रे उड़ा रही थी। आखिरी वक्त पे भी वो उनसे मिलने नहीं आई, कितनी शर्म की बात है। अरे ये तो उनके प्यार के लायक भी नहीं थी, कमरे में मौजूद लोगों में से एक ने बहुत ही हिकारत से कहा। जब सभी ने उस पर उंगलियां उठाना शुरू कर दिया तो कियारा को होश आया और घबराहट की वजह से उसने अपने शर्ट से दोबारा अपनी गर्दन को कवर कर लिया। कियारा जानती है कि नेहा हमेशा से उसे पसंद नहीं करती है और हर एक चीज में कियारा के साथ कंपटीशन करती है लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि नेहा कब से इतनी निर्दयी हो गई कि उसके साथ ऐसा कर बैठी। कियारा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि कब और क्यों नेहा उससे इतनी खुन्नस कर बैठी कि इस हद तक उसकी बेइज्जती करवा दी। कियारा ने गुस्से वाली नजरों से नेहा को देखा और तुरंत ही महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन तेज गुस्से की वजह से और भी ज्यादा बढ़ गई है। कियारा ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध ली और घूरते हुए नेहा से सवाल किया, नेहा क्या ये सब तुम्हारी गलती नहीं है?
तुम अभी भी यहाँ मासूम बनने का नाटक करने की हिम्मत कर रही हो? तुम्हें डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। इससे पहले कि कियारा अपनी बात पूरी कर पाती, कियारा की चाची और नेहा की माँ सारिका कियारा की तरफ दौड़ी और उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। नेहा का तुम्हारे शर्मनाक कांड से क्या लेना देना है? तुम नेहा के साथ इस तरह का बर्ताव करने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो? कियारा एक झटके के साथ जमीन पर गिर पड़ी। कियारा के गाल पर अचानक थप्पड़ की वजह से उसके कानों में एक अजीब सी सीटी बजने लगी। उसने अपने आधे चेहरे को ढक लिया, जिस पर बहुत बेरहमी से थप्पड़ मारा गया था। थप्पड़ इतना तेज था कि उसके होठों के किनारे से खून बहने लगा। सारिका हमेशा से ही मतलबी और दुष्ट किस्म की औरत थी, लेकिन आज ये सब जो उसने किया था वो अलग ही लेवल पे चला गया है। ये देखकर नेहा गर्व से मुस्कुराई और कियारा के पास चली गई। कियारा, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं, तुम्हें ईमानदारी से अपनी गलती मान लेनी चाहिए, नेहा ने कहा। नेहा चिंता दिखाने की झूठी कोशिश कर रही है, लेकिन उसका आर्टिफिशियल बिहेवियर साफ समझ में आ रहा है। उसके चेहरे के हाव भाव साफ दिखा रहे हैं कि वो कितनी खुश है। नेहा यही तो चाहती थी। नेहा ने कभी भी कियारा को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ा था। कियारा ने सारिका, नेहा और फिर अपने चाचा अरविंद को देखा, जो उस पूरे नाटक का मजा ले रहे हैं। कियारा ने अचानक महसूस किया कि सारिका और नेहा को कल रात के बारे में सब कुछ पता है, या फिर यूं कह लें कि उन लोगों ने जानबूझकर ये सब कुछ करने की प्लानिंग की थी, किसी तरह से कियारा को नुकसान पहुंचाने के लिए। कियारा जानती है वो सभी दिल के बहुत बुरे हैं और कियारा को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसने अपने दिल के कोने में उन लोगों को बहुत कोसा, लेकिन अपनी भावनाओं को किसी के भी सामने जाहिर नहीं होने दिया। अपने दादाजी की मौत के साथ कियारा को समझ में आ गया है कि उसके पास जो भी सहारा था अब वो उसे भी खो चुकी है। दादाजी को गुजरे अभी कुछ ही पल हुए हैं और पहले से ही सभी लोगों ने उसकी जिंदगी को नर्क बनाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं है तो वो उन गलतियों को कैसे मान सकती है? वो भी इतनी शर्मनाक गलती जो उसने जानबूझकर तो छोड़ो, अनजाने में भी करने के बारे में सपने में भी सोचा नहीं था। नेहा के इस ढोंगी व्यवहार ने कियारा का मन नफरत से भर दिया और गुस्से से कियारा ने तुरंत ही नेहा का हाथ दूर कर दिया। कियारा ने कोई भी ताकत नहीं लगाई, लेकिन नेहा कुछ कदम पीछे हट गई, जैसे उसे जोर से पीछे का धक्का दिया गया हो। कियारा! पूरे हॉल में गुस्से भरी आवाज गूंज उठी। आरव दरवाजे के बाहर से दौड़ते हुए अंदर आया और वक्त रहते हुए उसने नेहा को पकड़ लिया। आरव कियारा का बॉयफ्रेंड है। पिछले काफी समय से दोनों एक दूसरे के साथ थे, लेकिन चुपके से। किसी को भी उन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कियारा आरव को किसी भी चीज से ज्यादा चाहती है और यही कियारा के लिए सबसे अच्छा मौका है अपने आप को निर्दोष साबित करने का। आरव ने नेहा को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा है, जिससे उसे डर हो कि छोड़ते ही कहीं नेहा को चोट न लग जाए। आरव ने एक निराशा भरी नजर से कियारा की तरफ देखा। उसकी आंखों में कियारा के लिए सिर्फ नफरत दिखाई दे रही है। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है कियारा, ये सुनकर कियारा हैरान रह गई।